हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, जिसमें बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, अप्लीकेशन किस तरह से आप फिल कीजिएगा, प्रोसेस क्या है उसका, और अप्लीकेशन फ़ी कितना है और लास्ट डेट कब है, ये भी सब पूरे डिटेल्स में बताएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, एक एक पॉइंट डिटेल्स में होगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूं, जैसा कि मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी का लेके अपडेट लाया हूं जिसमें 9 से 11 सीटें हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। पीएचडी का है ये, तो 29 जनवरी तक लास्ट डेट है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनआईटी रायपुर में निकला है, इसका भी 29 जनवरी तक डेट है, तो इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साइंस सोशल साइंस दोनों सब्जेक्ट का निकला हुआ है। इसी तरह से एक वेस्ट बंगाल की स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूली स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर थोड़ा इजीली वे में आपका एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में। और अदर से एनआईटी हमीरपुर है, यहाँ पे भी पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो यहाँ भी अप्लाई कर दीजिएगा। लिस्ट डेट बहुत कम बचा हुआ है यहाँ भी। और ड्यू पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वैकेंट सीट 2023 के लिए बचा हुआ है, तो उसके लिए एप्लीकेशन जारी हुआ है, तो इसमें से रिलेटेड भी अपडेट मैंने बनाया है, तो इसको भी वीडियो को आप पूरा फुल देख सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है पीएचडी का, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया, तो इस पर मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल डेट, इंपॉर्टेंट डेट, अप्लीकेशन और किस तरह से फुल फिल किया जाता है, किन किन सब्जेक्ट में कितना सीट है, इससे भी रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है, तो अपने सब्जेक्ट अनुसार अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए, यहाँ पर प्ले लिस्ट में अवेलेबल है स्किल डायरेक्शन के। और इसी तरह से मैं पीएचडी एमएससीयूबी में स्टेट यूनिवर्सिटी है, 29 जनवरी तक इसका भी लास्ट डेट है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अंत में बता दूं कि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूं, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आईसर और ट्रिपल आईटी, आईआईएम और आईआईएससी और एनटीए पीएचडी जो नोटिफिकेशन जारी होता है उससे रिलेटेड मैं हर एक अपडेट लेके आते रहता हूँ। और इसी तरह से जैसे कि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अपडेट लेके आया हूँ, अभी जो एडमिशन नोटिफिकेशन ऑन गोइंग है, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं। ये है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी अपडेट आया है, तो जाकर आप इसको भी देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। तो देखिए हम नोटिफिकेशन आ गए हैं, 22 जनवरी को 2024 को जारी हुआ है नोटिफिकेशन, और इसमें नोटिफिकेशन लिखा है नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी एडमिशन 2023-24 के लिए निकला हुआ है। इनवाइट यहाँ पे इनवाइट किया जाता है एप्लीकेशन फॉर पीएचडी 2023 सेशन के लिए, और अप्रूवल बाय वाइस चांसलर से 22-1-2024 को हो गया है। अप्लीकेशन एडवाइड द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट को जो एडमिशन टू फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों में वेरियस डिपार्टमेंट में यहाँ पे मांगा जाता है। और डिपार्टमेंट कौन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट भी दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफरिंग द पीएचडी प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑफर कर रहा है कन्नड़ में, यहाँ पर इंग्लिश में, मराठी में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, कॉमर्स में, एजुकेशन में, क्रिमिनोलॉजी में एंड क्रिमिनल जस्टिस में, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, मैथमेटिक्स में, मास्टर ऑफ बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड बॉटनी में, इन सभी में निकला हुआ है पीएचडी। ये हो गया। अब इसका एप्लीकेशन का जो फ़ी क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ कि किस कितने सब्जेक्ट में कितना फ़ी लगा हुआ है। तो देख लीजिए प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप द एप्लीकेशन है जीएम जनरल है और ओबीसी है तो आपको 2000 एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है, सी1 में है, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, और फाइनेंशियल ऑफिसर के नाम के आपको भर के देना पड़ेगा। देख लीजिए द फाइनेंस ऑफिसर रानी चमन्नम यूनिवर्सिटी बेलगावी, इसके नाम से देना होगा। कब तक जमा करना होगा, तो आपको 5 फरवरी 2024 तक आप जमा कर सकते हैं इसको, और 250 रुपया फ़ाइन के साथ आप 12 तक जमा कर सकते हैं, 12 फरवरी 2024 तक आप जमा कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो गया। और यही इसी को दिया है कि इम्पोर्टेंट डेट दिया है, लास्ट डेट आपको 5 फरवरी है, मंडे तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, 5% आपका लेस हो जाएगा,
5% यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा आपका मार्क्स से। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी। और देखिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सीट की बात करें तो देख लीजिए आपका कॉमर्स में 18 सीट है, केमिस्ट्री में 18 सीट है, कॉमर्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 9 है, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस में नहीं है सीट है आपकी, इकोनॉमिक्स में 7 है, एजुकेशन में सीट नहीं है, पता नहीं क्यों दे दिया गया है लेकिन है यहाँ पे, इंग्लिश में 14 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 3 सीटें हैं और कन्नड़ में 12 सीटें हैं, मराठी में 4 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 5 है और इसी तरह से आप देख लीजिए MBA में है आपको 7 सीटें हैं, MSW में आपको 4 है, फिजिक्स में 4 है और पॉलिटिकल साइंस में 8 है और सोशियोलॉजी में 10 सीटें हैं। तो ये टोटल 120 सीटें हैं, तो 120 सीटें के PhD का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्टेट का होना चाहिए, अदर स्टेट को में अगर हैं आप तो आपको जनरल में काउट किया जाएंगे। और देखिए यहाँ पे 2 लाख से हैं तो आपको बैकआउट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दे दिया है तो आपको ये सब स्टेट वाइज जो मांगता है उसके अनुसार दिया है और कैलेंडर दिया है पूरा, कि डेट ऑफ टेस्ट कब होगा क्या होगा पूरा डिटेल्स दिया है, जैसे कि बता दिए आपको इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट जो आपको होंगे वो 18 तारीख तक आपका हो जाएगा, मंडे को, मंडे टू सैटरडे। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल पर सबका अलग अलग दिया है तो ये लास्ट डेट आपको 19 तक है, एडमिशन तक 19/4 तक आपको दे सकते हैं, मार्च अप्रैल तक, 4 अप्रैल तक दिया है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो कोई खास नहीं है, देख लीजिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखना है कि स्पॉन्सर कैंडिडेट और टीचर और जो ये है एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस टेस्ट से, इनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। अगर आपके पास CSSI UGC NET JRF का जो कोई भी फेलोशिप है तो आपको यहाँ पे नहीं देना होगा एडमिशन फ़ी। ये हो गया PhD से रिलेटेड अपडेट, डिपार्टमेंट ऑफ ये निविडिशन है और कुछ तो नहीं है। तो ये रहा PhD से रिलेटेड अपडेट। अगर इस तरह के अपडेट को आप चाहते हैं कि आपको तुरंत मिले तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। थैंक यू वॉचिंग स्किल डायरेक्शन। अब यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दें तो देखिए रानी चेन्नमई यूनिवर्सिटी है और इसके मैं पहले वेबसाइट पहले चलता हूँ और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। तो ये देखिए यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, अच्छी यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बी ग्रेड मिला हुआ है यहाँ के, ग्रेड के अनुसार देखा जाए तो उतना सा नहीं है लेकिन बी ग्रेड मिला हुआ है और कर्नाटक की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्टेट ऑफ कर्नाटक के द्वारा फंडेड और ये चलती है वहाँ पर रेगुलेशन को लेकर चलते हैं पूरा। तो ये स्टेट ऑफ कर्नाटक यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ से PhD करना चाहते हैं तो देख लीजिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको नए के द्वारा B+ मिला हुआ है, यहाँ पे B+ नेक द्वारा मिला है तो नेक का भी अपना ऐसे होता है। तो ये है उतनी भी खराब यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी लग रही है, यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक है। तो अगर यहाँ से PhD करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करके भर के और PhD शुरू कर सकते हैं। तो इस रहा ये रहा PhD से रिलेटेड अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। थैंक यू वॉचिंग स्किल डायरेक्शन। हेलो स्टूडेंट, आप PhD करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर PhD से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। PhD एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन।